सोनिया के घर में सर्जिकल स्ट्राइक, जैसे इंदिरा ने संजय को हटाया वैसे राहुल को किसने निपटाया। बीमार सोनिया को देख किसी घर वाले ने उठाया फायदा, एक बिजनेसमैन के इशारे पर हो गया खेल। प्रियंका के रास्ते का कांटा साफ, सोनिया की पार्टी पर वाड्रा इन कंपनी का कब्जा, सुनिए इनसाइड स्टोरी। कहते धर्म के खिलाफ बोलने वाले का विवेक मर जाता है। जिस वक्त राहुल धर्म पर सवाल उठा रहे थे उसी वक्त धर्म के अनुसार उनके अपने मोदी का नाम बताकर किसी अपने ने ही राहुल गांधी को राजनीतिक तौर पर ठिकाने लगा दिया। कहते राहुल के साथ जो हो रहा है उसे समझने के लिए 26 साल पहले चलना होगा। एक अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति की गांधी परिवार में एंट्री होती है और वहीं से छिड़ती है परिवार में विरासत पर कब्जा करने के लिए महाभारत की लड़ाई। गांधी परिवार का इतिहास है, उन्होंने सियासत की, खूब पैसा कमाया, खूब संपत्ति बनाई, पर कभी कोई बिजनेसमैन नहीं बना। और यही राहुल के साथ एक धोखा हो गया। उस चालाक व्यक्ति की कहानी सुनिए, उससे पहले आप समझिए पूरा खेल। गांधी परिवार में पिछले दो पीढ़ी से विरासत की जंग चल रही है। ये जंग इंदिरा के रहते संजय और राजीव के बीच खुलकर सामने आई थी। और आज सोनिया गांधी बीमार है तो उनके बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका के बीच एक अंदरूनी गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। कांग्रेस परिवार को करीब से जानने वाले लोग कहते हैं इस पारिवारिक युद्ध ने राहुल गांधी की राजनीतिक बलि ले ली। ये बात सोनिया गांधी भी जानती हैं। राहुल के असली दुश्मन ना तो मोदी है न बीजेपी, असली दुश्मन उनका ही कोई अपना है और यही होती है उस चालाक व्यक्ति की एंट्री। इस बात को समझने के लिए घटना का जिक्र करना जरूरी है। 24 मार्च को कांग्रेस की एक आपातकालीन बैठक हुई, वहाँ कांग्रेस के नेता, महासचिव, कांग्रेस अध्यक्ष, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सबकी राय अलग थी। यहाँ तक कि उस बैठक में राहुल गांधी शामिल नहीं हुए थे। सूत्र कहते हैं कि बैठक में कई सांसदों ने राहुल की सांसदी जाने पर सामूहिक इस्तीफे की पेशकश की। सोनिया गांधी ने किस वजह से मना किया, क्या वो समझ चुकी है राहुल से आगे अब उनकी बेटी प्रियंका है? वो इसलिए भी क्योंकि ज्यादातर कांग्रेसी राहुल के साथ नहीं प्रियंका के साथ है। कांग्रेस का एक खेमा है G23, जो सालों से इस बात की वकालत करता आ रहा है कि राहुल को हटाओ तो साफ होता है। राहुल के खिलाफ दो मुख्य वजह है, एक G23 में शामिल कई वरिष्ठ और खानदानी कांग्रेसी, दूसरी घर में बैठी खुद प्रियंका गांधी। गांधी परिवार अब आगे चलकर वाड्रा कांग्रेस होने वाली है। रॉबर्ट वाड्रा बिजनेसमैन है तो वो सियासत में कोई खास कद नहीं हासिल कर पाएंगे, लेकिन पत्नी गांधी परिवार के वारिस हैं, जिनका नाम प्रियंका गांधी है। कहते हैं ससुराल की संपत्ति पर दामाद का मन हमेशा लगा रहता है, तो क्या वाड्रा को ये बात समझ में आ गई है कि प्रियंका के बहाने राहुल को हटाते हुए पार्टी के साथ संपत्ति पर भी कब्जा जमाना चाहिए? देश के नामी अखबारों ने कुछ साल पहले कांग्रेस परिवार का विवाद छापा था। उस वक्त प्रियंका पार्टी में अध्यक्ष बनना चाहती थी, राहुल ने विरोध किया था। सोनिया ने भी समझाया था कि अगर बेटी अध्यक्ष बनती है तो फिर बेटी का कद खत्म हो जाएगा। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा थी कि राहुल एक कांटा है, वो कैसे हटाए जाएंगे। इसलिए बात समझनी होगी कि यहाँ बीजेपी के साथ कांग्रेस परिवार के कुछ विभीषण भी है जो मिलकर भाई को ही किनारे लगाने में कामयाब हो गए। इस तरीके से 26 साल पहले एंट्री लेने वाले वाड्रा के दोनों हाथ लड्डू में। जब प्रियंका ने यूपी चुनाव संभाला तो राहुल रैली करने नहीं आए, यहाँ तक कि यूपी से बचते रहे, तो क्या ये सबूत है कि भाई बहनों में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या प्रियंका को जानबूझकर यूपी में फंसाया गया था क्योंकि वहाँ ना वोटर है, ना पार्टी बची, ना ही नेता बचे, ताकि पार्टी हारे और प्रियंका का कद छोटा हो? जब धरती पर कुछ बड़ा होता है तो आसमान में गिद्ध दिखाई देते हैं, ऐसे ही सियासत में जब कुछ बड़ा होता है तो फिर मौका तलाशा जाता है। उधर बीजेपी विधायक ने राहुल के खिलाफ मुकदमा लिखा, तब वकीलों से पटी पार्टी के नेताओं को एक मौका दिखा, जज ने फैसला सुनाया तो सबने अपनी मंजिल तलाश ली, नाम मोदी का लिया और अपने ही नेता और भाई के साथ खेल कर दिया। इसे ही सियासत कहते हैं, जहां रिश्ते नहीं, भावनाएं नहीं, चालाकी काम आती है। और वो चालाक बिजनेसमैन सबको जानता है कब क्या कैसे और कहां करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।